एसिड सीरीज शुरू होने से 3 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि टिम पेन ने शुक्रवार को टेस्ट कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। होबार्ट में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पेन ने ये घोषणा की और उन्होंने कहा कि न्यूज कॉर्प द्वारा कथित तौर पर एक ऑफ फील्ड विवाद को लेकर खबरें चलाने के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। पेन ने शुक्रवार को कहा, आज मैं ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान का पद छोड़ने की घोषणा कर रहा हूं। ये एक अविश्वसनीय रूप से कठिन निर्णय है, लेकिन मेरे लिए, मेरे परिवार और क्रिकेट के लिए यही सही है। मेरे निर्णय लेने की वजह ये है कि लगभग 4 साल पहले मैं एक तत्कालीन सहयोगी के साथ टेक्स एक्सचेंज में शामिल था। उस समय एक्सचेंज पूरी तरह से सीए इंटीग्रिटी यूनिट जांच का विषय था, जिसमें मैंने पूरी तरह से समर्थन किया था। उन्होंने आगे बताया, उस जांच में क्रिकेट तस्मानिया एचआर और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाया था कि इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ था। हालांकि मुझे उस समय इस घटना पर गहरा खेद था और आज भी है। मैंने इस बारे में उस समय अपने परिवार से बातचीत की थी, जिसके बाद उन्होंने मुझे क्षमा भी कर दिया था। पेन के अनुसार, हमने सोचा था कि यह घटना खत्म हो चुकी है और मैं पूरी तरह से टीम पर ध्यान दे सकता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले 3-4 सालों से किया है। हालांकि मुझे हाल ही में पता चला कि यह निजी टेस्ट एक्सचेंज सार्वजनिक हो गया है। इसके बाद मेरा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान बने रहना उचित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में एक विवाद के बाद स्टीव स्मिथ की जगह 2018 में पेन 46वें ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान नियुक्त किए गए थे। उन्होंने 2019 एसिड सीरीज के दौरान टीम की कप्तानी की, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 18 सालों में पहली बार विदेशी धरती पर प्रतिष्ठित ट्रॉफी को बरकरार रखा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के अध्यक्ष रिचर्ड फ्राइडेनस्टीन का कहना है कि बोर्ड ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। टिम ने महसूस किया कि कप्तान के रूप में पद छोड़ने का यह निर्णय लेना उनके परिवार और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के हित में था। रिचर्ड ने आगे बताया, इस तरह का बर्ताव स्वीकार्य नहीं है। इस गलती के बावजूद पेन बेहतरीन कप्तान रहे हैं और उनकी सेवाओं के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। पेन पूरी एसिड सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। एसिड अगले महीने शुरू होगा, जिसका पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के गाबा में 8 दिसंबर को खेला जाएगा। इस बीच क्रिकेट तस्मानिया ने भी एक बयान जारी कर कहा, नवंबर 2018 में हुई घटना के समय कोई शिकायत नहीं की गई थी और न ही महिला कर्मचारी को निकालने से पहले संगठन ने कोई संज्ञान लिया था। टिम पेन ने कुल 23 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की है। इस दौरान कंगारू टीम को 11 मैचों में जीत और 8 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 4 मैचों का नतीजा नहीं निकला। पेन की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत का प्रतिशत 47.82 रहा। I am Mr. Potter.